हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूपीन के बारे में। फार्मा सेक्टर का दिग्गज शहर है और यहाँ पे इसमें काफ़ी दिनों से भयंकर गिरावट की सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। तो गिरावट में यहाँ पे जो ऊपर की लेवल पे जिन लोगों ने माल लेकर के रखा है उनके लिए यहाँ पे मुसीबत का सबक ये बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप ये गिरावट देखे गए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई है। जब से क्वार्टर एंड के नंबर आए, इनफैक्ट इससे पहले ही यहाँ पे गिरावट चालू हो चुकी थी और यहाँ पे गिरावट थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। मुझे काफी कमेंट्स लूपिंग के बारे में आती है और यहाँ पे काफी लोगों ने मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला है। इसी की वजह से मैं आपके सामने यहाँ पे लूपिंग का एनालिसिस का वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे ब्रोकरेज की तरफ से यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका भी हुआ है, बड़े टारगेट भी दिए गए हैं लूपिंग के ऊपर। इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ बात करना चाहूंगा, तो वीडियो के साथ आप पूरा पूरा जुड़े रहे। अभी मैं 1 बजे के आसपास यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी मार्केट प्राइस चल रही है 962 रुपये 95 पैसे से। आज भी 14 रुपये डाउन है, 1.5% के आसपास की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। कारोबार देखें तो कारोबार की सिचुएशन यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे आपके सामने है। यहाँ पे देखिए हाई 984.85 रुपये और लो 958 रुपये के आसपास का बना दिया है। अभी तक मतलब कि 12 बजे तक की यहाँ पे जो सिचुएशन आपके सामने है, 13,56,000 शेयर की ट्रेडिंग है, जिसमें से बात करें 5,50,000 शेयर की डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे 41% के आसपास की नज़र आ रही है। तो कारोबार देखें तो इसमें वॉल्यूम रिलेटिवली कम ही दिखाई देता है, परंतु परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे बढ़िया नज़र आ रही है। अभी जो पहले खबर है उसके बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए नमूरा की तरफ से एक खबर निकल करके आ रही है। करंट मार्केट प्राइस उन्होंने 975, जो कि सुबह ये रिपोर्ट आई थी तो तब यहाँ पे ये प्राइस चल रहा था, इसलिए ये प्राइस बताया है। इसने रेटिंग यहाँ पे बाय की कर दी है और जो टारगेट दिया है वो 1300 का दिया है, लगभग लगभग 1300, 1297 का टारगेट दिया है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो Q1 की डिसअपॉइंटमेंट थी वो अभी ओवर हो चुके हैं, यहाँ पे मार्केट करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ से अच्छा खासा उनको पॉजिटिव साइड लुपिन में नज़र आ रहा है, जिसके चलते वो टारगेट प्राइस 1297 का दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि यूएस की तरफ से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं इसके चलते इनके मार्जिन में असर पड़ने की संभावना है पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर की, वो भी कंसर्न है, वो अभी प्राइस इन हो चुका है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज है जो कि दिग्गज ब्रोकरेज नमूरा, वो यहाँ पे बुलिश लुपिन में दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपके सामने ये प्रेजेंट करना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में सिचुएशन कैसी रही है। तो आप 1 साल देखें तो अभी 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे होंगे 5.5%, पिछले 6 महीने अच्छे नहीं बीते 12.5% की गिरावट, पिछले 3 महीने में 18%, और ये जो 18% की गिरावट है वो एक्चुअली पिछले 1 महीने में ही आई है। 1 वीक में 15% की गिरावट और आज भी 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है लुपिन में, और इसी के चलते इनके जो निवेशक है वो यहाँ पे डरे हुए हैं और यहाँ पे ए फाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि लुपिन का शेयर संभलेगा कहाँ से। शेयर होल्डिंग पैटर्न लेटेस्ट आपके सामने मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा। प्रमोटर के पास 46.84% की होल्डिंग है और बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। FII की बात करें तो 18.60 और DII के पास 22% की होल्डिंग है, और नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 12.5। तो आप FII और DII को मिला दोगे तो आपके पास होल्डिंग हो जाएगी 40%, मतलब कि दिग्गज लोगों ने यहाँ पे 40% यहाँ पे हिस्सेदारी लुपिन में ले रखी है। तो बड़े जो इन्वेस्टर है उनका पूरा पूरा भरोसा लुपिन में दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है इस शेयर में आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और चार्ट पे क्या सिचुएशन है वो बताने की कोशिश करूँगा। 1 मंथ का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे देखिए बढ़िया तेज़ी का माहौल था और उसके बाद इस पॉइंट पे जाके मतलब कि 1300 1350 के पास जाके यहाँ पे लगातार 3 महीने से गिरावट की सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। मुझे लगता है मेक और ब्रेक लेवल एक है, 950 से लेके 935 का जोन है, और मेक और ब्रेक यहाँ से संभल जाता है तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया बात होगी। अदरवाइज यहाँ पे जो लुपिन का शेयर का नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है बॉटम साइड, वो 915 से लेके 855 का ये जोन दिखाई दे रहा है आपको, वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। मुझे लगता है लुपिन यहाँ से बिल्कुल चलना चाहिए। हाँ, हो सकता है 935 से लेके 950 का जोन है, यहाँ से भी बाउंस बैक संभव है, क्योंकि यहाँ पे
20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है आपको 935 के थोड़ा नीचे इसे लेके हाल फिलहाल में तो माल होल्ड करना चाहिए, और अगर ए लेवल टूटता है तो 915 से लेके 855 का जो जोन है उसके बीच आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाइंग शुरू करनी चाहिए, और आपका एसएल 850 के आसपास रहना चाहिए। ऊपर की तरफ हर्डल की बात करें तो पहला हर्डल 1030 के आसपास है, उसको क्रॉस करेगा तो 1090 रुपये है, और उसके ऊपर 1150 से लेके 1160 का जोन है वो अभी रेजिस्टेंस के तौर पे जब ऊपर निकलेगा तब काम करते हुए दिखाई देंगे। तो मैं चाहूँगा इन लेवलों को आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, उनको यहाँ पे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की लिंक डाल दी है, वहाँ से वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन जीरोधा में करवा सकता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प भी मिलेगी। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर है वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा, जिसके तहत आप कभी भी अपने कोई भी पर्सनल ट्रेड को मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मेरी राय ले सकते हो। आरएसए का लेवल देखें तो आरएसए का लेवल 50 के आसपास पहुंच चुका है, तो मीड टेरिटरी में आरएसए का लेवल नजर आ रहा है। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।